पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार का एक्शन रुकेगा नहीं। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही होगा। उनकी इस टिप्पणी पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रतिक्रिया देते हुए एक सवाल भी पूछा। कई सालों से मोदी सरकार के तीखे आलोचक बने सत्यपाल मलिक ने पूछा, आखिर उन लोगों के खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं हो रहा जिनके भ्रष्टाचार की मैंने शिकायत की थी। सत्यपाल मलिक ने अपने एक्स अकाउंट पर पीएम मोदी की टिप्पणी शेयर करते हुए लिखा, बिल्कुल मोदी जी आपकी बात सही है, परंतु मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन जिन व्यक्तियों के बारे में बताया वे सभी आपकी पार्टी में ही है और उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा क्यों? यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले लोग आज बीजेपी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को तो भाजपा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जैसे पदों से भी नवाज रही है। जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने लिखा, सबसे ज्यादा देश को लूटने वाले आज भाजपा में ही है और वो करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल है। आप उनके ऊपर कार्रवाई न करके बदले में उन्हें मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बना रहे हो, घोटालेबाजों को राज्यसभा और लोकसभा सांसद के टिकट दे रहे हो। बता दें कि भाजपा शासन के दौरान ही सत्यपाल मलिक कई राज्यों के राज्यपाल रहे। हरे किसान आंदोलन के दौरान वो मोदी सरकार के खिलाफ हो गए और तीखे हमले बोले। उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहने के दौरान कुछ लोगों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए घूस का ऑफर देने का आरोप लगाया। इस मामले की सीबीआई जांच हो रही है और पिछले दिनों सत्यपाल मलिक के कुछ ठिकानों पर भी एजेंसी पहुंची। सत्यपाल मलिक लगातार दोहराते रहे कि वो लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस के साथ हैं। हाल ही में उन्होंने इंडिया अलायंस की ओर से चुनाव लड़ रहे कुछ प्रत्याशियों से मुलाकात भी की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।